हे एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस टाइप का टेक्स्ट एनिमेशन कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट में, कोई भी अदर प्लगइन्स यूज नहीं हुआ है। वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि बहुत ही इजी प्रोसेस है एंड मैं ये बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो जस्ट सब्सक्राइब करके। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेंगे एंड इसका जो विड्थ है उसको हम 1920 कर देंगे एंड इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा ग्रेइश, डार्क ग्रेइश रख रहा हूँ। आप कोई से भी कलर ले सकते हो, बैकग्राउंड भी आप ले सकते हो एंड जो ड्यूरेशन है उसको मैं 10 सेकंड पर सेट कर दूंगा एंड ओके कर दूंगा। अभी एक टेक्स्ट ऐड कर लेंगे टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके एंड यहाँ पर मैं मोशन टाइप कर रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। जो फॉन्ट है वो मैं थोड़ा स्ट्रेट रख रहा हूँ तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एंड इसको मैं एकदम मिडल अलाइन पर सेट कर दूंगा एंड एंकर टूल को सिलेक्ट करके कंट्रोल पेस्ट करूँगा एंड इसको मैं इस तरीके से सेंटर पर रख दूंगा एंड जो मोशन वाला जो टेक्स्ट है उसको मैं कैरेक्टर पर जाके इसका कलर मैं अभी के लिए रेड कर दूंगा एंड इसका एक डुप्लीकेट ले लूँगा एंड ऊपर वाला जो टेक्स्ट लेयर है उसको मैं वाइट कर दूंगा, एम के पोजीशन पे मैं सेट कर दूंगा, फिर एक डुप्लीकेट कर दूंगा। डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी दबाए एंड ये लेयर डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ओ को भी मैं इस तरीके से डुप्लीकेट इसको टी कर दूंगा एंड टी की पोजीशन पे इसको इस तरीके से सेट कर दूंगा। इसी तरीके से मैं कंटिन्यू कर लूँगा एंड पूरा जो रेड कलर का जो टेक्स्ट है उसको मैं कवर कर लूँगा। अभी गाइस लास्ट वाला लेयर को छोड़ के सभी लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा एंड पी प्रेस कर दूँगा तो इसका पोजीशन हमें देखने को मिलता है एंड फोर फ्रेम पर आके इस पर हमें की ऐड कर देंगे। अभी सिर्फ एम को सिलेक्ट करके इसका पोजीशन मैं इस तरीके से कर दूंगा, फिर 3 सेकंड पर आके इस तरीके से कर दूंगा एंड 2 सेकंड पर आके इसको मैं फ्रेम से बाहर ला दूंगा। इसी तरीके से ओ का भी मैं इस तरीके से पोजीशन रख दूंगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर के बाद एक कैरेक्टर मैं नीचे एंड ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो हमारा हर कैरेक्टर का एनिमेशन रेडी हो चुका है। अभी सारा की फ्रेम को सिलेक्ट कर लूँगा एंड F9 प्रेस कर सकते हो आप या फिर इस तरीके से मैनुअल भी कर सकते हो एंड ग्राफ एडिटर पर जाके इसको जो इसको मैं इस तरीके से पुल कर दूँगा। आपको पता ही है कि इस तरीके से पुल करने से एक अलग ही मतलब मोशन आता है, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी सारा लेयर को सिलेक्ट कर फिर से पी प्रेस कर दूंगा। अब राइट क्लिक करके न्यू पर जाके एक एडजस्टमेंट लेयर मैं ले लूँगा कैरेक्टर से, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा एंड एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर हम वो रख देंगे। एंड अभी गाइस जो नीचे वाला टेक्स्ट लेयर है उन सभी को सिलेक्ट करके मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, आप कोई से भी कलर ले सकते हो, मैं ये वाला ले रहा हूँ एंड इसको ओके कर दूंगा। फिर एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके
इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पर जाएंगे एंड एको सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। एंड एको टाइम को मैं -0.001 पर सेट कर दूंगा एंड नंबर ऑफ इकोस को मैं 100 कर दूंगा यहाँ पर। एंड जो इको ऑपरेटर है उसको मैं मैक्सिमम कर दूंगा। तो हमारा एक अच्छा सा मोशन हमें देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप नीचे वाला जो कैरेक्टर्स है उसका कलर चेंज करके और कलर दे सकते हो इस तरीके से। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेक्टर इफेक्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।